75 के सेलिब्रेशन में में आज है मेरे साथ में एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, दोस्ती करना सिखाई और अब वो हमें लेकर जाने वाले एक नई ऊंचाइयों पर जीवन के साल से लेकर जीवन के वर्ल्ड सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे गेस्ट क्या गेस्ट क्या कहूँ सर आपको परिवार का हिस्सा ही कहूँगा मेरा नाम अनुपम बरजात है सारांश की अगर मैं बात कहूँ सर किस तरह से शुरुआत हुई सारांश की मैं हम हिंदुस्तान जो है वो राजश्री के नाम से बहुत ज़्यादा परिचित है तो मैंने पहली फिल्म राजश्री की देखी थी जो मुझे जो मैंने अठारह बार देखी थी वो थी दोस्ती और तब वो एम्बलम जब आता था सरस्वती जी का तो अच्छा लगता था बहुत एंड और जैसे कि जो भी एक्टर यहाँ काम ढूंढने आता था उन दिनों हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से वो पहले राजश्री के ऑफिस में जरूर माथा टेकता था क्योंकि राजश्री के लोग बड़े उदार किस्म के लोग हैं, हैं अभी भी और सब एक्टर्स को सब नए एक्टर्स को वहाँ पर अच्छे तरीके से मिला जाता था तो यहाँ पर जब आप एक भीड़ में आते हो तो सबसे पहले अपना नाम तलाश करते हो कि भाई मैं, मैं भीड़ में खो तो नहीं गया तो यहाँ आपको थोड़ी इज्जत दी दी जाती थी जो आपका प्रभा देवी वाला ऑफिस है और वैसे ही फिर मैं जैसे बाकी एक्टर्स से फोटो छोड़ के गया था गुप्ता जी के कमरे में लगी भी हुई है वो तस्वीर जो मैं छोड़ के गया था और जो, की जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी सारांश मुझे जब भट्ट साहब के थ्रू मिली थी और भट्ट साहब सारांश राजश्री राश राश के लिए बना रहे थे आत्महत्या करने की इच्छा कायरता नहीं उसके लिए हिम्मत चाहिए जो मुझ में है मैं जिंदगी को और जलील करने का मौका नहीं दूंगा अभी भी मेरे पास एक हक है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता अपनी जिंदगी खत्म करने का हक मगर यह भी सत्य है कि सारांश शूटिंग से पहले दस दिन पहले मुझे निकाल दिया गया था आ, एक जनवरी उन्नीस को फिल्म की शूटिंग होनी थी और 20 दिसंबर उन्नीस को मुझे एक दोस्त का फोन आता है कि आप उस फिल्म में अब नहीं हैं और संजीव कुमार साहब ये रोल कर रहे हैं तो मैंने सोचा अब मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता बिकॉज अगर राजश्री वाले ऐसा कर सकते हैं तो फिर तो इसमें रहना ऐसा नहीं है okay, हुँ। हुँ। मैं अब हाँ मतलब आई बज कम्प्लीटली एज ए एज इट इज़ बुरे बुरे हालात चल रहे थे काम नहीं मिल रहा था पैसे ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट सड़कों पर रह रहा था तो मैं इनको तो ज़्यादा नहीं जानता था मतलब मिला हुआ था पर मैं भट्ट साहब के घर गया अपना सामान पैक करके और मैं शहर छोड़ के जा रहा था फिर मैंने भट्ट साहब को खरी खोटी सुनाई और मैंने कहा कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज आपके बाद आप आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं और आपकी जीवन में सत्य नहीं है एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सट्रा ये कहानी सबको पता है और फिर उन्होंने राज बाबू को फ़ोन किया फिर राजबू ने कहा कि ठीक है वही करेंगे फिर जब संजीव कुमार साहब ने वो फिल्म देखी मुझे याद है कि वो राजश्री के स्टूडियो में अकेले देखी थी उन्होंने और बहुत फूट फूट के रो रहे थे पूरी फिल्म से मैं वहाँ से वो ऑपरेशन ऑपरेटर के उसमें से देख रहा था एंड uh, फिर मुझे बाहर निकलने के उन्होंने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सारांश दिया कि मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता था जितना अच्छा आपने किया उस फिल्म में uh, सूरज फिफ्थ असिस्टेंट थे एक कॉर्नर में एक शायद सा लड़का खड़ा था और मुझे किसी ने कहा था ये प्रोड्यूसर का बेटा है uh, नेक लग रहे थे अभी भी नेक ही लगते हैं और चेंज ही नहीं हुए तो मैंने उनको उनका पहला जॉब दिया था मैंने उनको बुलाया मैंने कहा इधर आओ क्या नाम है तुम्हारा उसने कहा जी सूरज मैंने कहा ऊपर से रूम नंबर एलेवन में मेरे डायलॉग की फाइल है वो लेकर आओ और वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोडक्शन है हमने 40 दिन में वो फिल्म कंप्लीट की थी और रोज़ मैं शिवाजी वाले शिवाजी एरिया में शिवाजी पार्क में शूटिंग करता था त्यार में राजश्री के ऑफिस में होता था वो मैं उसमें ऐसे वो पैच लगाया था बालों का तो रोज़ यहाँ से एक बारबर को बुलाया जाता था वो शेव करता था और सूरज वहाँ होते थे और वो फिल्म बिना किसी तकलीफ़ के बिना किसी हिलोजत के लोग हैरान थे कि एक अट्ठाईस साल का लड़का पैंसठ साल के बुज़ुर्ग का रोल कर रहा है और मुझे याद है कि जब पहला बैनर उसका प्रभा देवी वाले ऑफिस के पास लगा था एक ही बैनर लगा था और मैं उसमें थे मैं सोनी राजदान और रोहिनी तंगड़ी तो मैं रोज़ एटलीस्ट एक बार रोज़ हफ्ते में नहीं रोज़ रात को वहाँ आता था और उसके नीचे सीटी मारता था जोर से कि अब तेरी ज़िंदगी शुरुआत हो गई है और जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो राइट शुरू हो गए तो बड़ी घबराहट वाली बात थी बट उसके बाद से राजश्री का ऑफ़िस मेरे लिए एक मंदिर के समान हो गया जब भी अपने आत्मा का शुद्धिकरण जाता हूँ करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ बट उससे पहले आपने आगमन उत्सव की थी हाँ पर पहले रिलीज़ रिलीज जो है वो यही हुई थी उत्सव में थी उससे पहले मैंने जी शीशे के शीशे की दीवार भी की थी अमित खन्ना साहब की उत्सव भी की थी आगमन भी की थी जो बन गई थी पर अगर रिलीज़ पहली ये हुई थी बट मैं रिसेंटली अभी महेश जी से मिला उन्होंने मुझे बताया कि अनुपम जब मेरे पास में आए उन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया फोन पर उन्होंने कई सारी बातें कही और मैंने उनको बता दिया कि हाँ भाई अब तुम फिल्म में नहीं हो फिल्म में कोई और है उन्होंने मुझे ऐसे शब्द कहे ऐसे आके डांटा तो मैंने उनके अंदर प्रधान देख लिया करेक्ट हाँ।, हाँ सही बात है और तो तो देखिए कभी कभी मैं आप जाना मैं आपसे जानना सर और दर्शकों को भी आपने क्या बोला उनसे मैं वो गालियाँ टेलीविजन पे नहीं दे सकता हूँ बड़ा मुश्किल है और वो भी राजश्री जी के प्रोग्राम में ऐसी बातें कर रहे हैं आप पॉसिबल ही नहीं है नहीं मैंने बेसिकली उनसे कहा कि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं पी प्रधान की कहानी सत्य है मतलब सत्य पर से जुड़ी हुई है और आप में सत्य ही नहीं है आप मैं छः महीने इस पर काम किया है और आप मुझे निकाल रहे हो तो आप कैसे फिल्म या चीज़ ये तो झूठी लगेगी फिल्म और, और मैं रो रो भी रहा था बिकॉज आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड मैं एंग्री था मैं हताश था मैं डिसअपॉइंटेड था मैं तो अपना करियर छोड़ के जा रहा था क्योंकि तो मेरा विश्वास उठ गया था इस नगरी से पर शायद हाँ तो उन्होंने मेरे सामने उन्होंने कहा मैं नीचे चला गया था टैक्सी में बैठ के बैठ रहा था तो उन्होंने कहा ऊपर आ वो छठी मंजिल पर रहते थे फिर मैं और और लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और मैं चढ़ता हुआ गया फिर तो उन्होंने फिर राजश्री में फ़ोन करके कहा कि मैं ये फिल्म एन के भी लिये बना लूँगा किसी के लिए बनाऊँगा और बनाऊँगा तो इसी एक्टर के साथ तो मैं उस हमेशा ये इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि आपको किसी चीज़ का मलाल हो दुख हो तकलीफ हो गुस्सा हो उसको बोल देना ज़रूरी होता है अपने लिए लड़ना बहुत जरूरी है हक़ के लिए हक के लिए और लड़ना भी क्या मतलब बोलना ज़रूरी है मैं क्या कर लेता अगर वो कहते हैं कि हमें कहाँ भैया ठीक है तो मैं आज यहाँ पर पचहत्तर साल ऑफ राजरी के बारे में बात नहीं कर रहा था मगर संस्कार है ना भट्ट साहब का विश्वास था और राज बाबू की डायरेक्टर को सुनने की का संस्कार था तो उन्होंने फिर आई थिंक ताराचंद जी से कहा कि भाई वही एक्टर भट्ट साहब को चाहिए बट उस वक्त की अगर मैं बात तो प्रेशर बढ़ गया था क्योंकि संजीव कुमार जी जैसे नहीं तो नहीं मैं तो मैं प्रेशर, प्रेशर पर कभी काम ही नहीं का मुझे पता था मैं रोल बहुत अच्छा करने वाला मैंने मैंने चुना आपको आप खून दिया साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए बापू की रात मैंने भी दिखाई है और इसका ये दे रहे हैं आप मुझे और क्या तैयारी करी थी उस वक्त आपने ओ हो छः महीने तक तैयारी की थी मैं रोज़ शिवाजी शिवाजी पार्क पार। पार। जाता था धोती कुर्ता पहनता था वो स्टिक मेरे पास अभी भी पड़ी है मेरे ऑफिस में जो स्टिक मैंने उसमें उस इस्तेमाल उस की है हाँ हाँ पूरा बॉडी लैंग्वेज पर एक आ, एक किताब है मैन वॉचिंग वो देख के मैंने जो जो क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये फिल्म मेरे जीवन को बना सकती है और मैं खुश था कि मेरे को एक ऐसा आ, ऐसी फिल्म मिली है जिसमें मेरी उम्र का रोल मैं नहीं कर रहा हूँ एक टिपिकल हीरो का मैं रोल नहीं कर रहा हूँ और अट्ठाईस लोग बहुत कहते हैं अरे आपने अट्ठाईस साल की उम्र में बूढ़े का रोल क्यों कर लिया मैंने अगर वो रोल नहीं किया होता तो मैं शायद अठत्तीस साल में इतनी इज़्ज़त और इतनी शहरत नहीं कमा सकता था मैंने पहली फिल्म में ही लोगों को ये तो बता दिया कि भाई मैं एक्टर अच्छा हूँ फिर वो मेरी चॉइसिस थी कि मैंने कुछ

जीवन कैसे जीना है ये सोच दी तुम क्या कर लोगी चित्रे? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लोगी ना जानते हैं लोग तुमसे क्यों डरते क्योंकि मरने से डरते सुनो चित्रे, जो एक बार मरने से डरता है वो हजार बार मरता है रोज मरता है और मैं मरने से नहीं डरता मेरा पूरा प्रयत्न रहा है और अभी तक है और अब आगे भी रहेगा कि मैं बीवी प्रधान बनकर अपना जीवन जीऊँ आदर्शवादी था सच बोलते थे आ, किसी भी बात पे नाइंसाफ़ी को देख के गुस्सा होते थे मैं उस तरफ जा रहा हूँ और आ, हर चीज़ में मुझे याद है हम शूटिंग कर रहे थे पहले दिन ने तो साथ में दो एक्ट्रेसेस काम कर रही थी जिन्होंने कुछ वो टिपिकल बॉलीवुड के जो है ना कपड़े वो बन के तो हमारे सेट पे आई तो ऐसा लगा पता नहीं कुछ एलियन से आ गए टैक्सी राइड्स जो मेरी थी टैक्सी में रोज में गाना गाना सुनता था अंधेरा गहराया या हर घड़ी ढल रही आ, मतलब मैं तो हर चीज़ हर इमोशन को पहली बार महसूस कर रहा था मुझे उसमें जो मेरे साथ जूनियर आर्टिस्ट पहले बार काम किए थे दर्शन जी सहगल साहब वो मुझे पूरी ज़िंदगी पर याद रहे जो बीच पर उसके शिवाजी पार्क के बीच पर घूमना और मैं बैठा रहता था पार्क में लोग मुझे भी बूढ़ा समझते थे उसकी ट्रेजिडी ये थी कि जब पिक्चर रिलीज़ होगी तो लोग चाहते हैं कि मुझे पहचाने मगर मैं मेट्रो के सिनेमा के बाहर खड़ा रहता था बैंडा टॉकीज के बाहर खड़ा रहता था और आ, कोई पहचानता नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल डिफरेंट लगता था सर ये एक कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और इसे मतलब एक ये भी कह सकते हैं हाँ मगर मैं ने... तो पहचानने के लिए तो, में फिल्मों में आया था ना मगर फिर धीरे धीरे जब मुझे अवार्ड तो मिले तो ताशाने मिले पहचानने का शुरू किया आपको मैं बोल के बोलता था ये मैं हूँ मैं मैं इतना उसका वेट नहीं करता तो कोई भी मुझे थोड़ा देखता था ऐसे तो मैं हाँ जी मैं ही हूँ मैं ही हूँ और मैं बहुत घूमता था और सारे जो मॉर्निंग अर्ली मनिंग चार बजे साढ़े चार बजे हमें बुलाया जाता था नीलू फूले साहब ने मुझे पहला सीन जब मेरे साथ किया, तो ने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया को आ, बड़ा जबरदस्त काम करते यार। तुम उनको भी नहीं पता था कि मैं सुनो, ये तुम्हारे यहाँ और नहीं रहेगी समझे चलो 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 जी चलो तो नजर तो तान तोड़ छोड़ ख्याल रखना यंग और ओल्ड की बात नहीं थी सवाल था मैं ट्रेंड एक्टर हूँ मैं ड्रामा स्कूल का हूँ मैंने उससे पहले भी काफ़ी डिफरेंट किस्म के रोल किए थे आ, वो फिल्म तो मेरे जीवन में यहाँ पर छपी हुई है उसकी हर अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि वो मैंने जब हमने पैसेट पे काम किया था अब मैं जब भी कभी सेट पे जाता हूँ जब ऊँचाइयों की शूट ऊंचाई की शूटिंग हमने की उसी सेट पर तो उसी सेट पर की थी हाँ तो ये हर चीज़ उसकी याद मेरे साथ रहेगी हम आपके कौन की अगर हम बात करें उसमें भी आपने अपने किरदार से सबका दिल जीता इतना वो फ़न तरीके से कह लीजिए या मजाक के तौर पे कह लीजिए क्या कहना चाहेंगे उस कैरेक्टर के बारे सूरज की हर फिल्म का श्रेय सूरज को पहले जाता है मैं सारांश में तो मैं अपना श्रेय भी ले सकता हूँ क्योंकि मुश्किल था किसी छोटे एक्ट छोटी उम्र के एक्टर के लिए उस उम्र का काम करना बिकॉज थिएटर में चलता है थिएटर में पीपल फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अब ये बूढ़े का रोल कर रहा है मगर फिल्म में तो रियलिस्टिक होता है बट सूरज के साथ जो भी मैंने फिल्में की हैं उसका पूरा श्रेय पहले सूरज को जाता है हम तो वही करते हैं जो उन्होंने कंसीव किया होता है जब उन्होंने कहानी मुझे सुनाई थी चार घंटे की कहानी सुनाई थी गानों के साथ और ये सब हम आपके ऑफिस में राज के ऑफिस में तो मैंने कहा था कि ये फिल्म रिलीज होगी तो लाठी चार्ज होगा पूजा बेटे जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़े गरजते हुए पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा तो रामचंद्र जी ने बड़ी सरलता से बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि नाथ शंभु धनु बंजे निहारा हो एक दास तुम्हारा कुछ तो शर्म करो दो दो जवान बेटी है क्या सोचेंगी अरे क्या सोचेगी मैंने कुछ गलत कहा पिया तुम्हें तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रिया तो मैं, मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है इतनी चलेगी फिल्म और सच भी वो दैट वाज द मोस्ट पीसफुल शूटिंग टाइम ऑफ माय लाइफ इट वाज वंडरफुल मुझे तकलीफ भी हुई थी कि उसने मुझे पहली फिल्म में नहीं लिया था मैंने प्यार किया मैं आसानी से आलोकनाथ जी का रोल कर सकता था और मुझे क्यों नहीं लिया मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरी फिल्म में तो असिस्टेंट थे वो बट वो ठीक है अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को ना मिले तो थोड़ी जलन भी होती है तो <laughs> फिर आपने फिर ये बात कही हाँ से? हाँ हमेशा बोलता हूँ मैं मैं मैंने कहा ना मैं पोस्टपोन नहीं करता हूँ मैं जो कहना है अपने दिल की बात तो बोल देनी चाहिए और हम आपके एकॉन का हालांकि हाल हम आपके एकॉन में जब हम वो तकिए वाला सीक्वेंस कर रहे थे माए नहीं माए जिसके बाद गाना शुरू होता है उसमें मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया था हाँ मेरा आप अगर आप उस शूटिंग अब देखेंगे तो आपको जो सीन देखेंगे तो उसमें मेरा फेस टेढ़ा है और मेरा कोई क्लोजअप नहीं है बहुत कम क्लोजअप है मिड शॉर्ट्स हैं या लॉन्ग शॉर्ट्स मासी जी मासी जी। और ग्रेट हो ये जो बसंती है ना बसंती इससे मेरा लगन होने वाला था मगर ये बूढ़ी मासी तो मैंने क्या किया यार कहा वालों अगर मेरा लगन नहीं हुआ तो फिर सुसाइड फिर आपने मैनेज कैसे किया उस वक्त तो मैं जब डॉक्टर के पास गया उन्होंने कहा कि दो महीने आप अब कुछ नहीं कर सकते अब आप सिर्फ आराम दो, दो महीने आप ये फिजियोथेरेपी और लाइफ सेविंग ड्रग्स लीजिए वो तो जायज़ सी बात है कि एक्टर्स के चेहरे पर इतना सब पिंपल भी निकल आता है तो लोग शूटिंग कर कैंसिल कर देते हैं और मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में गया था डॉक्टर सिंगल के पास तो मैं उस दिन पहला दिन था ओ पिलो वाले सीक्वेंस के शूटिंग का पहला दिन और सेट इतना बड़ा सेट लगा था और बीस दिन की शूटिंग थी वहाँ पर तो मैं सोच रहा था मैं अगर आज घर चला गया पहली बात तो सूरज बरजातिया का और बरजातियाज का बहुत नुकसान होगा और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि अगर मैं आज घर चला गया तो मैं हर बार जब भी किसी ज़िंदगी से किसी बात से जूझूँगा तो मैं छुप जाया करूँगा तो इट्स अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो मैं सीधा शूटिंग पर चला गया फ़िल्मिस्तान स्टूडियो और फिल्मिस्तान स्टूडियो पर जाके मैंने आ, आ, सूरज को बोला और सलमान और माधुरी को बोला कि ऐसे तो उनको लगा मैं कोई नए तरीके से सीन करने की सोच रहा हूँ तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ऐसे फेशियल पैनलिस जिसको बेल, बेल्स बेल्स भी बोलते हैं आ, ये हो गया है तो उन्होंने मैं कैंसिल तो सूरज ने कहा मैं कैंसिल कर देता हूँ शूटिंग आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए बहुत बड़ी बात है इतना बड़ा सेट लगा इतने सारे एक्टर्स का कॉम्बिनेशन है मगर मैंने कहा नहीं मैं अगर आपको शूट करता है और मैं टेढ़े मोह के साथ शूटिंग कर सकता हूँ तो मेरे लिए ठीक है वो तो आज बड़ी ऑडियंस आपसे नहीं समझ पाएंगे किसी को पता नहीं नहीं मैंने इसके बारे में जिक्र बहुत बार किया है अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने ऐसा बोला बिकॉज मैं लोगों को करेज देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है नहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसको आ, जिसको मतलब हम आप ट्रांसफॉर्म ना करें जिंदगी आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मुश्किलातों में डालती है आपका कैरेक्टर उससे पता लगता है कि आप उन मुश्किलातों का सामना कैसे करते हैं बट आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ हर बार के हर बार को बहुत चैलेंजेस फेस करके आप आगे आए हैं आज जो भी आपको दर्शकों का जो प्यार मिलता है आपको आपके ऑडियंस का जो प्यार मिलता है मतलब काफ़ी लड़ा है आपने इन सारी चीज़ों के लिए उस जिंदगी का फैसला फ़ायदा किया जिसमें चैलेंजेस ना हो बड़ी बोरिंग सी जिंदगी होगी अब मैं ये मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई मेरा कोई फेलियर ही नहीं हुआ फेलियर तो बहुत ज़रूरी है फेलियर आपको ज़्यादा सिखाते हैं सक्सेस से सक्सेस इज़ वन डायमेंशनल फेलियर इज़ मल्टी डायमेंशनल मैं जब इनका गाना कर रहा था क्या नाम इसका ऊंचाई का तो वो जो गाना है अपना केटी को केटी को मेरा पाँव का लेगमेंट टेयर हो गया तो मैंने कहा भैया आपके तो हर फिल्म में मेरे को कुछ ना कुछ हो, हो ही जाता है बट वो अच्छा साइन है अगर मेरे लेगमेंट टेयर से और मेरे फेशियल पराले से पिक्चर चलनी है इतनी सारी तो भगवान ना करें मगर ये अच्छा साइन है तो होता है आई थिंक मुश्किलें तो बड़ी मज़ेदार होती हैं योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर लाइफ एंड योर डिफिकल्टीज शो यू वट काल्सो यू सेट अप एग्जाम्पल फॉर द पीपल हमारे जो हम मैं जिस माहौल से आया था वहाँ पर हमारे घर वालों ने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम बहुत गरीब हैं हम बहुत गरीब थे निम्न वर्गीय परिवार में मेरे फादर क्लार्क थे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चौदह लोगों की फैमिली थी और सबका खाना होता था और एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं हम इतने खुश क्यों हैं उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है सो इज 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 नो एंड टू सॉर्ट ऑफ एस्केपिंग एस्केप नॉट सोल्यूशन विवाह की शुरुआत कैसी हुई फिर वो फिल्म किस तरह से पहुंची जाता है नहीं फिर आई थिंक सूरज को मेरी आदत हो गई उनको and, अच्छा लगने का जो कैरेक्टर जो था उस पर आपका क्या रिएक्शन था मेरा मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी इट वॉज अ वेरी वेरी सोशल फिल्म और मुझे याद है राजबाबू ने कहा था कि उन्होंने किसी पेपर की कटिंग में पढ़ा था उसकी कहानी के बारे में प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी तो फिर जब सूरज ने उसका स्क्रीन प्ले वगैरह लिखा और वो सब और तो बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म इट्स फिल्म विच एनक्रेज लॉट ऑफ थिंग्स उसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी उसका भी वो पूरा जलना और वो सब सीक्वेंस जब हमने किए थे मुझे उसकी भी बहुत यादें तो सूरज के साथ काम करने की सब बहुत इंटरेस्टिंग है ये दुख आपकी बेटी का ही नहीं कृष्णकान जी हमारी बहू का भी है कुछ ही देर में दिल्ली के टॉप सर्जन्स यहां पहुंच रहे हैं अब पूनम के ठीक होने की जिम्मेदारी हमारी है आइए बैठे मैं रिसेंटली मैं समीर सोनी से मिला था हाँ। मैंने उनका इंटरव्यू किया विवाह के रिलेटेड ही तो उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पे अनुपम खेर जहाँ पे भी जाते हैं वो वहाँ पे रिश्ते बना लेते हैं और दूसरों के घर में जाते हैं उनसे मिलते हैं उनके घर का खाना भी खाते हैं जी जी हाँ हाँ आई थिंक लाइफ इज़ ब्यूटिफुल आई थिंक लाइफ इज अब मेरे पिताजी कहा करते थे द तो इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू तो मेक समबडी हैप्पी और जब आप एज ए सेलिब्रिटी हो तो सबसे वो तो सबसे आसान होता है कि आपने किसी एज ए सेलब्रिटी किसी के कंधे पर हाथ रख दिया तो उसके लिए लाइफ भरेगा क्योंकि अनुपम केर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था या मैं किसी के घर सरप्राइज़ करने अभी रिसेंटली परसों नरसों में एयरपोर्ट एक हफ्ता पहले एक पूरी फैमिली फ़ोटो खिंचा रही थी एयरपोर्ट पर ऐसे सब तो मैं जाके पीछे खड़ा हो गया फ़ोटो में <laughs> तो उनको लगा पता नहीं कौन काना जब उन्होंने देखा तो वो पागल हो गए oh. तो आई थिंक दैट इज़ अ मेमोरी विच दे विल कीप फॉर देयर लाइव रेस्ट ऑफ देयर लाइफ तो मैं जाता था समीर के साथ समीर के साथ मैंने बड़े मज़े किए हम चले जाते थे लोगों के घर खाना खाने मैं ही खटखटाता था, था दरवाज़ा या आपके यहाँ मैं जब रेलवे स्टेशन जब मैं काम ढूंढता था और कभी कभी मुझे काम के सिलसिले में या फैमिली को मिलने बॉम्बे से मुंबई से दिल्ली जाना होता था तो मैं हमेशा ट्रेन से ही जाता था और ट्रेन में पता नहीं क्यों हमेशा हर बार एक ऐसी फैमिली बैठी होती थी मारवाड़ी फैमिली या गुजराती फैमिली जो कमाल का खाना निकालते थे उनका डब्बा खुलता था तो उसमें से कोई पूरी निकलती थी सूखे आलू लाल वो मिर्च का अचार आपके मुंह में पानी आ रहा है no, <laughs> <laughs> तो तो और मैं सोचता था भाई क्या करूँ मैं ऐसे एक्टिंग करता था <laughs> तो वो मेरे हाथ में डाल देते थे जब हम तो सामते हैं तो आई थिंक देट्स ब्यूटीफुल मुझे गाने भी बड़े अच्छे लगे थे मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है एक और कोई ऐसी याद जो विवाह से आपने बताना चाहिए आप ऐसे नहीं आता मुझे याद नहीं आ रहा कुछ आपको कुछ समीर ने क्या बताया तो मुझे मुझे तो सर उन्होंने ये खाने को लेकर बताया था कि हम लोग घर पे जाया करते थे और वो पूछा करते थे जो लोग आया करते थे हाँ कि आज तुम खाने में क्या लेकर आए हो आज हाँ। तुमने खाने में क्या बनाया करेक्ट करेक्ट आई थिंक खाना जो है वो लोगों को जोड़ता है जी आज भी मैं यही आगे मैंने पूछा आपके राजश्री वालों से ये जो मैं कुकरी का शौक यार कर रहा हूँ उसमें क्या बना रहे हैं आप वो बात अलग है कि उन्होंने जो बोला वो थोड़ा सा घबराने वाली बात थी मगर मैं तो जब बनाऊंगा तो अच्छा ही बनाऊंगा फिर सर अब आता है कैरेक्टर आपका दिवा जी का वो कैरेक्टर कैसे पहुंचा आप तक अब आई थिंक सूरज हैज़ ए हैबिट ऑफ रिपीटिंग हिज एक्टर्स बिकॉज ही लुक्स फॉर कम्फर्ट जोन फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर आस ऑल्सो इंगमार बर्गमन करके एक डायरेक्टर थे स्वीडिश uh, डायरेक्टर वो साल साल भर अपने कास्ट के साथ रहते थे पहले ऐसे चलो भी इस, इस शहर में जाके सब लोग रहेंगे साथ में और फिर उनके साथ फिल्म बनाते थे तो सूरज भी वैसे ही हैं सलमान मैं हो गया आ, माधुरी आ, इसमें दो सोनम थी तो उन्होंने जब दीवान जी का मुझे रोल सुनाया तो वो जोरबदगरी के ऊपर आधारित थी मतलब रफली और बड़ा अच्छा कैरेक्टर था मैं सोचता नहीं हूं जब सूरज जी कहानी सुनाने आते हैं तो मैं सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो जिंदगियां लग जाती हैं उन्हें भरने में इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें एक और कोशिश करते हैं मैं चंद्रिका राधिका को खबर कर दूंगा कि कल सुबह युवराज उनसे मिलने आ रहे हैं मतलब मैं तो रिश्ता ऐसा है उनके साथ कि वो अगर मुझे फिफ्थ असिस्टेंट बनाएंगे तब भी मैं खुशी खुशी से कर लूँगा कोई भी रोल दे देंगे अब मैं उनके पीछे पढ़ाऊँगी मुझे अवनीश की फिल्म में मुझे कुछ तो एक रोल दे दो कुछ तो दे दो और वो टाले चले जा रहे हैं अवनीश भी टाल रहा है बट उसकी शूटिंग थी हमारी वहाँ पर एन स्टूडियो में और एनडी स्टूडियो बॉम्बे से दूर है तो हम वहाँ पर ही एक किसी होटल में रहे थे वहाँ भी खाने का बड़ा इंटरेस्टिंग इंतज़ाम होता था शूटिंग का खाना आता था और बाकी तो काम तो करते में ही इज़ वेरी इज़ वेरी शार्प इन ब्रिंगिंग आउट द कैरेक्टर आउटसाइड एंड ही इज़ ऑल्सो एज द फिल्म इज एज ही इज़ मेकिंग मोर फिल्म वो ही इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू पीपल नॉट दैट ही वॉज एडमेंट ही इज़ मोर कम्फर्टेबल नाउ खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ उन्होंने आ, okay. काम किया है उनको वो आज़ादी देते हैं कि ठीक है आप आपका क्या कहना है और बट कोई भी कैरेक्टर चुनने से पहले या उसे उस कैरेक्टर को पकड़ने से पहले या काम करने से पहले आपका मतलब दिमाग में क्या चलता है आपके कि आपकी क्योंकि सूरज ने, ने इतना रिसर्च किया होता है सूरज ने कोई कुछ नहीं होता ही गिव्स एवरीथिंग ऑन ए प्लेटर कि आप बता ही नहीं सकते कि आप अब आपने क्या आपको बस अपने आप को उस ढांचे में ढालना होता है फिर हम शायद राजस्थान में कहीं शूटिंग करने गए थे तो पता नहीं क्यों मेरे लिए हमें पहाड़ पे जाना था तो मेरे लिए डोली का इंतज़ाम कर दिया था उन्होंने तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया था मैंने कहा किस बेस पे तुमने डोली का इंतजाम किया मेरा क्या लगता है मेरे को कहीं से लग रहा हूँ कि मैं डोली पे नहीं मैं मैं चढ़ नहीं सकूँगा वो रखो यहाँ पर तो फिर मैं पैदल गया था तो वो पता नहीं उनको लगा कि मतलब इज़्ज़त देनी चाहिए डोली में क्या इज्जत है डोली में तो आप मुझे महसूस करा रहे हैं कि बेसिकली मैं नहीं चढ़ पाऊंगा हाँ <laughs> मैंने कहा सलमान चढ़ रहा है ना आप भी चढ़ रहे हो ना तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता हूँ तो ब्यूटीफुल आई थी फिर, फिर क्या बोले, फिर क्या बोले से? कुछ नहीं फिर उन्होंने डोली वाले को फिर भी रखा कि एटलीस्ट उसकी दिहाड़ी तो चलेगी हम तो नहीं साथ में नहीं रहो उनको लगा अब मैंने डोली वाला बुक कर दिया है अब ये तो चलेंगे नहीं तो उस बेचारे की दिहाड़ी चली जाएगी तो उसको कहा कि तुम रहो तुम्हारे को देंगे हम दिहाड़ी ये तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ये बंदा है या बुद्धा है अब एकदम जो कैरेक्टर की मैं बात करने वाला हूँ वो है ओम शर्मा इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा ओम शर्मा विल्का... मुझसे बिल्कुल अलग है मेरी पर्सनैलिटी से ओम शर्मा चिड़चिड़ा है Uh, रूढ़ी वादी, चिर वाद। वादी है है चेंज़ नहीं चाहता है। कुछ हिलना नहीं चाहता है दुकान को वहीं रखना चाहता है बट इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सूरज इज फिल्म बट ये किरदार कैसे पहुंचा आप तक? इसकी अगर बात करूँ तो नहीं मैंने वही अगेन सेम बात है इससे पहले जब आई थिंक इससे पहले मुझे सूरज जी बोलते हैं कि वो बड़े स्ट्रेस में थे कि ये फिल्म बना रहे हैं जो एल्डरली पीपल पे है और मैं यहाँ नहीं था मैं अमेरिका में काम कर रहा था एंड ही वॉज़ कॉलिंग अप माई मैनेजर हरमन कॉन्स्टेंटली कि वहाँ क्या कर रहे हैं मुझे भी एक दो बार फ़ोन किया क्या कर रहे हैं आप यहाँ आगे काम करिए तो फिर फिर उन्होंने सोचा था कि अगर कुछ नहीं हो सका मेन रोल नहीं कर सके तो वो मुझे डैनी का रोल दे देंगे डैनी साहब का रोल दे देंगे एटलीस्ट मैं वीकेंड पे आके वो रोल कर लूँगा आ, तो फिल्म में जोड़ना चाहते फिल्म थे फिल्म में तो मैं जोड़ना ही चाहते थे आ, फिर मेरा वो किरण की तबीयत की वजह से मैं वाइफ की किरण की वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं वापस हिंदुस्तान में आना चाहता हूँ तो मैंने इनको फ़ोन किया तो बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने मुझे फिर वही कहानी सुनाई और मैंने कहानी सुनी मैंने कहा ये तो इनकी बेस्ट कहानी है आज तक की बिकॉज सूरज अपने भी शैकल्स अपनी भी बेड़ियाँ तोड़ रहे थे और दूसरी बात जिस ज़िंदगी से मैं गुजर रहा हूँ आई मीन आई सिक्सटी सेवन ईयर ओल्ड यंग मैन तो वो मेरा जद्दोजहद ज़्द यही रहती है कि मैं सारे वो आयाम तोड़ूँ जो लोग सोसाइटी जिसमें आपको बांधना चाहते हैं कि अब आप सीनियर सिटीज़न हो गए हो अब आप बुजुर्गवार हो गए हो अब आपको अंकल जी बुलाना चाहिए या अब आपको वेटरन लेजेंड थेस्पियन बनाना चाहिए तो मैंने इस सब को तोड़ना चाहता था तो मैंने कहा तोड़ने का बेस्ट तरीका यह है कि बॉडी को चेंज करो ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि यार ये जो बोल रहा है उस पर अमल भी कर रहा है तो बॉडी इज़ द बेस्ट फॉर्म सो आई साइट वर्किंग आउट एक्सरसाइजिज एट्सट्रा पुटिंग स्टार्टिंग पुटिंग माई पोस्ट ऑफ माई बैक एंड जिम एंड एवरी थिंग और जब मुझे उन्होंने रोल सुनाया तो कहानी तो कम वो कहानी भी उसी तरह की है कि तीन बुजुर्गवार जो बड़े ऑर्डनरी किस्म के लोग हैं जिनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं कि वो सुपरमैन टाइप हैं वो अपनी uh, सीमाओं को तोड़ कर कैसे एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचते हैं तो दोनों मेरा एज अ जीवन पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर हम दोनों की जर्नी जुड़ गई इसलिए हर चीज़ के साथ हमने आइडेंटिफाई uh, किया है बट सेट का माहौल क्या होता हो जाता है जब इतने सारे दिग्गज एक साथ में आ जाते हैं दिग्गज तो ह्यूमन में जी हैं एंड बच्चन साहब है आई डोंट थिंक एनी बडी टेक्स टें सीरियसली ये लोगों का परसेप्शन है कि इसने पाँच सौ बीस मेरी पाँच सौ बीसवीं फिल्में हैं है, कि इसने पाँच सौ बीस फिल्में की हैं बमन ईरानी ने इतने सारे रोल किए हैं अमित जी पचास साल से मेगा स्टार हैं दैट्स नॉट आर परसेप्शन हमारे तो अभी भी जद्दोजहद चल रही है कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो बहुत क्रिएटिव कानवर्सेशन होती थी बहुत uh, मजा कानवर्सेशन होती थी बहुत हम वर्ड बिल्डिंग खेलते थे गमश्राज uh, खेलते थे बहुत अच्छा था बिकॉज सूरज और राजीप ऐसा माहौल बना के रखती हैं और पहाड़ पे मतलब हम चढ़े थे मैं तो अभी मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ शिमला का रहने वाला हूँ और मैं तो पैदल जाता था बाकी सब लोग गाड़ियों में जाते थे लोकेशन में पैदल चलता था सूरज परेशान भी होते थे मेरे पीछे दो गार्ड लगा दिए थे उन्होंने और वो दो गार्ड ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे मेरे पीछे नहीं है उनको बोला था कि इनको मत पन, इनको नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने इनको पीछे लगाया तो मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ा था मुझे पता था मैं उनसे बात करता फिर मैंने उनको रिश्वत दे के बोला कि तुम मुझे तुम निकल जाओ इस तरह से तो बोल देना तो मेरे पीछे ही थे तो बट इट इज़ सूरज इज़ बेस्ट फिल्म फ्रॉम बोथ फॉर सो मैनी रीजन्स फर्स्ट इज ही इज़ गॉन बियॉन्ड हिज कम्फर्ट जोन एंड ही इज़ टेकन हिज कास्ट बियॉन्ड हि कम्फ़र्ट जोन फिल्म में एक फ़िलासफ़ी है एंटरटेनमेंट के अलावा कि आप अपने सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो फिल्म इज अबाउट होप वो सब एलिमेंट्स हैं उसमें एंटरटेनमेंट के पर होप भी है करेज भी है गुडनेस भी है तो बहुत अच्छा रहा बहुत आई थिंक दिस इज़ इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म और वो आ रही है पैंडमिक के बाद जी पैंडमिक में और लॉकडाउन में लोगों की होप थोड़ी ख़त्म हो गई थी लोगों के अंदर ही अंदर हम निराशाजनक हो गए हैं अंदर ही अंदर एक अपनी जद्दोजहद चल रही है तो वो जद्दोजहद के दौरान जो सूरज का रीज़न भी था ये फिल्म बनाने का कि क्यों वो खुद डायरेक्ट करना चाहते थे जब ऐसे लोगों को इसमें देखेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं यार लाइफ इतनी बुरी नहीं है आई नो दैट वी वेंट थ्रू पेंडेमिक आई नो दैट वी वेंट ट्रू कोरोना वायरस एट्सेट्रा बट वी कैन ऑल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड पिकअप द स्मॉल लिटिल पीसिस ऑफ आर लाइफ

जो सड़े रहते हैं वो वो हैं सब्जी में नमक कम मतलब किसी भी चीज़ में नमक कम है ये ज्यादा डांस क्यों कर रहा है इसने ज्यादा एक दो ज़्यादा क्यों पी ली है ये जो हर चीज मतलब उनको खुशी वो खुशी के दुश्मन है ओके okay, जो हमने ट्रेलर में भी हमने देखा है कि सब वहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं सब एक दोस्त की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ पे प्रैक्टिकल रीजन दे रहे हैं हाँ बिकॉज आई थिंक सूरज चाहते थे कि सूरज चेंज के ऊपर फिल्म बना रहे थे कि हाउ ह्यूमन स्पिरिट ह्यूमन माइंड ह्यूमन लाइफ कैन चेंज तो उसमें उनको वैसे कैरेक्टर बनाने थे बिकॉज पिक्चर के अंत में ओम शर्मा इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ओम शर्मा को समझ आ जा जाता है कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ जी uh, जावेद सिद्दीकी को बमन जिसका रोल कर रहे हैं उनकी भी लाइफ में एक चेंज आता है और अमित श्रीवास्तव जो अमिताभ बच्चन साहब रोल कर रहे हैं उनकी लाइफ में तो लाइफ में फिल्म के अंत में सबकी लाइफ में चेंज आता है तो वो चेंज कैसे आना है उसके लिए उनको कैरेक्टर्स तो बनाने ही पड़ेंगे म्यूज़िक बड़ा कमाल का है म्यूज़िक तो इसमें कमाल का है अरे अरे वो अंकल के टी को ज़िंदगी को हाँ कर दे मेरा फेवरेट गाना है सुपर हिट हो रहे हैं गाने सुपर हिट हो रहे हैं लोगों को मतलब मैं हमने तो सोचा नहीं था मतलब एटलीस्ट मैंने म्यूज़िक के बारे में नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा मैं पिक्चर के बारे में मुझे लगता था और पिक्चर में जो गाने थे पिक्चराइजेशन तरीके से बहुत अच्छे थे बट

बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट हालांकि बमन हमेशा बोलते हैं कि मेरे जैसा ही कैरेक्टर है बट आई लव ओम शर्मा हैविंग सेट दैट दैट ही बेस्ट पार्ट ऑफ वॉन्टिंग टू डू दैट कैरेक्टर वॉज बिकॉज ही वॉज नॉट लाइक मी एट ऑल राश्री को सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए इन सेवेंटी फाइव ईयर्स को किस तरह से देखते हैं राश्री के लिए पचहत्तर साल राश्री के राष्ट्रीय ध्रोहर है राश्री प्रोडक्शन जो हैं वो राष्ट्रीय द्रोहर है और इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि एक अकेला ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसने अपने मूल्यों को समाज के सामाजिक मूल्यों को जिन्होंने अपने रिश्तों के मूल्यों को जिन्होंने सभ्यता हमारे देश की सभ्यता के मूल्यों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसीलिए इनका सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए प्रधानमंत्री ने इनको ख़त लिखा और बोला कि, आ, कि आपने जो किया वो बहुत मुश्किल से होता है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर कंपनी है आ, बाहर फिल्में इनकी लगती हैं आज आ, क्या क्या आ, कस्टम्स होने चाहिए शादी में वो हम आपके यहाँ कौन से जुड़े हम आपके कौन से पहले थोड़ा पता था लोगों को कैसे शादी करनी होती है वो सब जो हैं उसमें उनको डाला है या गुडनेस इन्होंने दुनिया में गुडनेस पर विश्वास बरकरार रखना चाहिए उसमें बहुत बड़ा योगदान है इनका एक परिवार को कैसे रहना चाहिए साथ में बहुत बड़ा योगदान है और ये दे आर द कूलेस्ट फैमिली इन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी पचहत्तर साल बरकरार रखना और साठ फिल्में बनाना केवल साठ फिल्में मगर एक भी ऐसी फिल्में ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी अपने मूल्यों के साथ थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा मुझे तो अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है मुझे okay. बातें करना ही अच्छा लगता है और आपने बड़ा अच्छा मेरे से बात किया और मैडम के बार बार पीछे से इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद आपने बड़ा अच्छा किया बट वो भी उनको भी पता था उनको क्या चाहिए सब अच्छे लोग हैं कैमरा के पीछे भी हैं वो जो पीछे थी वो भी एक दो बार उबासी ली उन्होंने पीछे मगर थोड़ा समय घबराया और रजत के साथ बैठ के सामने बैठ के हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं रजत हैड अ ग्रेट विजन फॉर डिजिटल कंपनी फॉर ही वॉज द मोस्ट वंडरफुल ह्यूमन बींग एंथजियाटिक आई मिस हिम इन दिस ऑफिस और मैं विश करना चाहता हूँ राजश्री प्रोडक्शंस को उनकी आने वाली पुश्तें आने वाली जो जनरेशन है वो इस परंपरा को बरकरार रखें बिकॉज दैट विल बी योर बेस्ट गिफ्ट टू ताराचंद बड़जातिया जी कमल कुमार बड़जातिया जी अजीत कुमार बड़जातिया जी एंड uh, राजकुमार बड़जातिया जी एंड ऑल्सो टू सूरज बड़जातिया